और दोस्त क्या हाल चाल है। मैं आ चुका हूँ आपके लिए एक नया वीडियो लेकर। उस वीडियो में बात करेंगे हम अपने मोबाइल टोन्स की, और यह है हमारे पास एप्पल स्टूडियो की बहुत सारी टोन्स हम लेकर आए हैं आपके लिए। तो सबसे पहले हम बात करेंगे हमारे एप्पल स्टूडियोज की टोन्स की। तो दोस्तों ये टोन्स आपके पीसी में भी चलेगी और आपके कंप्यूटर सॉरी आपके मोबाइल्स में भी चलेगी। तो मोबाइल्स की भी खास ये है, तो एप्पल स्टूडियो मोबाइल मोबाइल जो आपके पीसी में चलता है उसी में आपका ये चलता है। यानी कि सेटअप आपका मोबाइल वाला है, लेकिन आपको चलाना पीसी में भी है, चला सकते हैं, और आप इसको पीसी और मोबाइल में भी चला सकते हैं। मोबाइल में चलाएंगे ये, ठीक है। तो आइए हम फटाफट बात करते हैं। और ये हमारा सबसे पहला टोन है जो कि बहुत ही प्यारा कोड का और बेल पैड्स हैं, बहुत ही प्यारी बेल पैड्स हैं। तो आइए जानते हैं, बहुत ही शानदार। उसके बाद हमारे पास एक और बेल पैड्स हैं, अकॉर्डियन बहुत ही प्यारा, बहुत ही प्यारा हारमोनियम है हमारे पास। प्लग भी है हमारे पास, आइए देखते हैं प्लग किस तरह से हमारे पास। प्लग हमारे पास, बहुत ही कमाल की मेलोडीज बनती इससे। मैं आपको इसमें थोड़ा सा जब वीडियो के एंड में आपको बता दूंगा कि किस तरह से इसका आप सेव कर सकते हैं और किस तरह से आप इसको इंस्टॉल कर सकते हैं। तो ये वीडियो के मैं लास्ट में बताऊंगा, पहले आप टोन सुन लीजिए।
अगली टोन हमारे पास ट्रम्पेट है बहुत ही प्यारी। अगली टोन हमारे पास एक और ट्रम्पेट है दोस्तों, ये थी हमारी कुछ टोन्स। अब आपको मैं इसमें ये कैसे डालेंगे आप अब पीसी में भी और अपने मोबाइल में, तो आइए सीखते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों आपको स्क्रीन पर आपको जो डाउनलोड डॉक्यूमेंट्स दिख रहा है, ये आप मान लीजिए आपका एपल स्टूडियोज़ है, तो आप इसको डबल क्लिक करेंगे, आप इसके अंदर जाएंगे या आप इसका अपना कार्ड मान लीजिए, ठीक है। ये डॉक्यूमेंट्स है, अब यहाँ पर देखेंगे तो एफ एल एम यूज़र आपका मोबाइल वालों के लिए, यहाँ पर एफ एल एम यूज़र के अंदर फोल्डर आएगा, ये एफ एल एम यूज़र के अंदर फोल्डर है, ठीक है। और एफ एल एम यूज़र के अंदर फोल्डर आपको एफ एल एम यूज़र, ये एफ एल स्टूडियो आपको यहाँ मिल जाएगा, इमेज लाइन के अंदर एफ एल एम स्टूडियो के आपका एफ एल स्टूडियो मोबाइल आपको मिल जाएगा। अब ये जो एफ एल एम स्टूडियो मोबाइल है, ये तो पी सी में आपको एफ एल स्टूडियो मोबाइल मिलेगा, लेकिन आप जब मोबाइल में चलाएंगे तो यहाँ पर आपको फोल्डर, इस फोल्डर की जगह एफ एल एम नाम से यूज़र, एफ एल एम यूज़र नाम से एक फोल्डर मिल जाएगा, ठीक है। उसके अंदर सेम आपको ये सारी की सारी चीज़ें मिल जाएगी, इस तरह से फोल्डर बने हुए हैं उसमें, ठीक है। माई इंस्ट्रूमेंट में आपको जो भी आपको डी डब्ल्यू पी फाइल्स मिलेगी, वो आपको दो फोल्डर में जिप फाइल के अंदर मिलेगी, तो उसमें जो भी डी डब्ल्यू पी फाइल्स का फोल्डर है उसमें ये सारी की सारी डी डब्ल्यू पी फाइल्स आपको मिल जाएगी। तो मैं आपको अभी यहाँ पर बना देता हूँ, तो ये हो गई आपकी कॉपी और ये आपकी फाइल्स बन गई यहाँ पर एस डब्ल्यू और आज तारीख 10 मई पैक, ठीक है। तो ये मैंने बना दिया है आपके पैक, और ये सारा का सारा मैं इसको आपको डी डब्ल्यू पी फाइल का ये फोल्डर है इसके अंदर आपको यहाँ पर डाल देता हूँ, ठीक है। तो इसके अंदर आपके फोल्डर्स आ गए, ठीक है। अब एक फोल्डर और बना देता हूँ मैं एफ एल एम यूज़र का, एफ एल एम फाइल, एफ एल एम फाइल, ठीक है, एफ एल एम फाइल। तो एफ एल एम फाइल के लिए मैं आपको माई सॉन्ग्स के अंदर आपको डालना है, वैसे माई सॉन्ग्स के अंदर ये 10 मई जो फाइल है इसको आपको कॉपी पेस्ट कर देना है, ठीक है। ये आप कॉपी पेस्ट कर देंगे, ठीक है, और इसको मैं लगा देता हूँ और लॉक, तो दोस्तों मैंने वो कर दी है जिप फाइल। अब आप उसको ले सकते हैं, खरीद सकते हैं और अपने मोबाइल्स और पीसी में दोनों में आप बजा सकते हैं, ठीक है। तो अब बात आती है कि आप इनको सेव कैसे करेंगे। मान लीजिए आपने कुछ टोन को मॉडिफाई किया, ठीक है, आपने कुछ भी टोन मॉडिफाई करी, आपने मान लीजिए इस सिंथ को मॉडिफाई किया, ठीक है, आपने इस सिंथ को लिया और यहाँ पर आपकी टोन आ गई डिफ़ॉल्ट, और ये ठीक है, और आपने इसको मॉडिफाई किया, कुछ भी लगाया,
मान लीजिए मैंने ये इसको सेव करना है तो मैं यहाँ जाऊँगा और यहाँ पर सेव कर दूँगा, और यहाँ पर कुछ भी नाम आप जो भी डालना है वो डाल दीजिए। और मैंने यहाँ पर डाल दिया इसको 1 2, ओके, और ये मैंने कर दिया सेव। तो जब भी मैं अब यहाँ पर इसको ओपन करूँगा तो ये 1 2 के अंदर ही मुझे यहाँ पर मिल जाएगा। बहुत ही सिंपल सा काम है ये, आपको सेव करना मैंने आपको सिखा दिया है, ठीक है दोस्तों। तो इस तरह से आप इसको सेव कर सकते हैं और ये आपकी जो सेटिंग आपने की होगी ये आपके यहाँ पर सेव रहेगी, ठीक है। तो दोस्तों इस तरह से आप इसको ट्रांसपोर्ट सेव कर सकते हैं। और भी जानकारी आपको चाहिए तो आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक देख सकते हैं बहुत सारे आपको लिंक मिलेंगे। और बहुत आप लोगों को यूट्यूब में अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगता है तो इसको लाइक रखें, लाइक करें, शेयर करें और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब रखें ताकि आपको और भी बहुत सारी अच्छी अच्छी जानकारियाँ मिलती रहें। तो दोस्तों अभी टाइम हो चुका है 1:00, तो बहुत काफ़ी दिनों के बाद मैं वीडियोस बना रहा हूँ तो थोड़ा सा मुझे बनाने में दिक्कत भी आ रही है। तो अब आपके लिए मैं डेली वीडियोज़ लाता रहूँगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। और टोन्स कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और भी आपके लिए बहुत सारी चीज़ें मैं अभी लेके आने वाला हूँ, तो चैनल को सब्सक्राइब रखिए और लेते रहिए मज़े ज़िंदगी के, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।